जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चेव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते, स्थित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्ता, करिए सत्ता। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। अंतराय कर्म के कारण जीव संसार में किस प्रकार दुखी है, उसकी चर्चा अपन विगत दो दिवस से कर रहे हैं। इस जीव को मोह के कारण पांच प्रकार का उत्साह होता है, पांच प्रकार की इच्छा होती है, दान की, लाभ की, भोग की, उपभोग की और विवि की। और यदि अंतराय का उदय हो तो वह इच्छा पूरी नहीं होती, और इच्छा पूरी नहीं होने पर यह जीव दुखी होता है। सो अंतराय कर्म के उदय से जीव किस प्रकार दुखी है, यहां टोडर मिल साहब समझा रहे हैं। साथ में बहुत सुंदर चीज हमें और विचारनी है कि हम बाह्य सामग्री को कारण मानते थे, इसके कारण ये काम नहीं हुआ, इसके कारण ये काम नहीं हुआ। हमें आगम के आधार से, ज्ञानियों के चिंतन के आधार से हमें ये बात भली भांति समझनी चाहिए कि अंतरंग कर्म का उदय यदि हो तो बाहर की सामग्री क्या करे, है ना। ये बात भी हमने अच्छे से समझ ली, यदि हमारे अंतराय का उदय हो तो बाहर में पांच प्रकार की जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं होगी, और उसमें जो बहिरंग निमित्त है वह तो कमजोर है, उसकी तुलना में अंतरंग निमित्त उसका विचार करना चाहिए। एक बात ये कही। अभी तीसरी बात है जो अपने को आज चर्चा करनी है, थोड़ी सी कठिन है। अभी तक हम ये समझ रहे थे, क्या समझ रहे थे, कि अंतराय का क्षयोपशम हो जाएगा, हमारी इच्छा अनुसार सामग्री मिल जाएगी तो हम हो जाएंगे सुखी, और हम दुखी इसलिए हैं कि अंतराय का उदय है। तो हम क्या उपाय करते हैं, हम बाहर के निमित्त को मिलाने का उपाय करते हैं। क्या उपाय करते हैं बाबूजी, हम बहिरंग साधन को मिलाने का
उपाय करते हैं, और टोडर मल्ली साहब कह रहे हैं कि वह उपाय झूठा है। क्या कह रहे हैं कि आप जो उपाय करते हो काय का सुखी होने का है ना, हम क्या उपाय करते हैं कि हम बाहर के साधन को मिलाते हैं, बाहर के निमित्तों को मिलाते हैं, और वो निमित्त मिलाने पर टोडर मल्ली साहब कह रहे हैं वो तो झूठा है काम, क्या हमारा उपाय झूठा है। तो अब आपका प्रश्न होगा कि उपाय झूठा कैसे है ये बता दो आप, तो उसका उत्तर भी अपन खोजेंगे। पहले अपन पंक्ति पढ़ते हैं जहां टोडर मल्ली साहब ने ये बात कही है कि ये जो आपका उपाय झूठा है। देखो है ना, पेज नंबर 63 है, अंतिम दो पंक्तियां तीन पंक्तियां अपन को पढ़नी है, उसके बाद अपन अगला पैराग्राफ विचार करेंगे। मिल गया पेज नंबर 63 है ना, दूसरे ग्रंथ में दूसरा पेज है, वो आप देख लेना, निकाल लेना उसके आधार से। अन्य द्रव्य इसे विघ्न करना चाहे और इसके न हो, अने बाहर के अन्य द्रव्य इसको अंतराय देना, अंतराय मतलब बाधा, अंतर है बीच में आ जाना। अपन नहीं बोलते कि महाराज जी के अंतराय आ गए, अंतराय आ गए मतलब बाधा, अंतर है बीच में आ जाना, बाल आ गया है ना, बच्चा रो दिया, तो ये क्या हो गई, अंतराय आ गई, आहार में अंतराय आ गई, अंतराय मतलब बाधा आ जाना। तो अन्य द्रव्य क्या लिखा हुआ है, इसे विघ्न अने बाधा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, कि यदि इसे अंतराय का उदय न हो तो बाहर में कोई भी चाहे तो उसको अंतराय नहीं कर सकता, और यदि अंतराय का उदय हो तो इसके विघ्न आए बिने रहे नहीं। ऐसा कहकर टोडर मल्ली साहब ने बहिरंग निमित्त से, बहिरंग साधन से, बहिरंग द्रव्य से इसको हटाकर कहां ले आए कि भाई तेरे अंतरंग उदय के अनुसार बाहर में काम होगा और नहीं होगा वो निमित्त होगा, इतनी बात कही। अब आगे क्या समझा रहे हैं, देखो, जिसका वश नहीं है, सॉरी, इसीलिए जाना जाता है कि अन्य द्रव्य का कुछ वश नहीं, जिनका वश नहीं उनसे किस लिए लड़े। क्या कह रहे बाबूजी, जिनका बाहर का द्रव्य तेरे को बाधा पहुंचा ही नहीं सकता तो तू काई के लिए उससे लड़े, तू काई के लिए उसके लिए विपरीत सोचे, काई के लिए तू उसको हटाने का सोचे, क्योंकि उसमें कुछ दम नहीं है। आई बात समझ, कल अपन ने बात कही थी ना, यदि आपके सेवा का अंदर में उदय इस प्रकार का नहीं है कि आपकी सेवा हो तो पुत्र कैसे सेवा करेगा। देखो लौकिक प्रयोजन से वहां की मुख्यता से कहा जाता है बात कि बेटे को सेवा करनी चाहिए है ना, वो एक सामान्य कथन है, करनी चाहिए, और नहीं होती है उसके पीछे रीजन क्या है ना, जैसे बेटे को पिता की सेवा करनी चाहिए, शिष्य को गुरुजन की सेवा करनी चाहिए है ना, समाज को है ना उस तरह का विद्वानों को सम्मान करना चाहिए, ये तो हो गया, सब बातें आपकी बिल्कुल होनी चाहिए है ना, बहिरंग आचरण की मुख्यता से ये बात कही गई है, ठीक है, लेकिन कोई पिता की सेवा नहीं हो रही है पुत्र के द्वारा, तब आप अपने को क्या समझना चाहिए कि पुत्र नालायक है कि उसका उदय इस प्रकार का है। अभी अपने ना दो ये बात भी समझना है ना, वो पुत्र नालायक है उसकी बात उस प्लेटफॉर्म पे सही है, है? जब आप किस प्लेटफॉर्म से बात करते हो, जन सामान्य को मैंने उपदेश के लिए कि भाई ऐसा तो करना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी सेवा नहीं हो रही है तो इसमें उस जीव का भी कोई रोल लेके नहीं है, मुद्दे वाली बात तो ये है ना, उस बात का भी अपने को ध्यान रखना चाहिए है ना बाबूजी, अगर मेरा सम्मान नहीं हो रहा है तो मेरे कर्म का भी कोई रोल है कि नहीं है, है? सामाजिक दृष्टि से ये बात कही जाती है, सही है कि समाज वालों को ऐसा करना चाहिए, पुत्रों को ऐसा करना चाहिए, बहुओं को ऐसा करना चाहिए, ये तो बिल्कुल एक बात है सामान्य, लेकिन ऐसा होने पर भी किसी के तो होता है सम्मान और किसी के नहीं होता है, किसी की सेवा होती है किसी की नहीं होती है, तो उसमें हमारा अंतरंग कर्म का भी कोई योगदान है या नहीं है, कदावस्था मुद्दे वाली बात तो ये, और यदि वह बलवान है तो फिर बाहर द्रव्यों पर आरोप करना वृथा है, यही तो कह रहे हैं कि तू बाहर द्रव्य पे फिर क्यों लड़ाई लड़ता है,
तेरे को ये पता है कि अंतरंग मेरा उदय इस प्रकार का है, अब क्या करें? उदय ही इस प्रकार का है कि बहू सेवा नहीं करेगी तो फिर बाहर बहू पर क्यों लड़े लड़े? नहीं बाबू जी, बात तो सीधी है ना, इसलिए तो टोटनवली साहब कह रहे हैं जिसका वस नहीं। अगर आपका उदय इस प्रकार का है तो नियम से सेवा नहीं होगी, तो फिर नियम से सेवा नहीं होगी तो आपके वश में नहीं है। क्यों? कि अगर क्षयोपशम हो तो वो काम होगा, और उदय हो तो सेवा नहीं होगी तो वश नहीं है। अब अपन लड़ाई किससे करते हैं? अपन लड़ाई किससे करते हैं? अरे बोलो भाई, लड़ाई किससे करते हैं? बाहर जहां आपका वश नहीं है वहां लड़ते हो। तो टोटनवली साहब कह रहे हैं किस लिए लड़ो आप? ये देखो क्या कहा है, जिसका वश नहीं है उनसे किस लिए लड़े? अब आपका उदय विपरीत है कि सेवा होनी नहीं बाबूजी, और बेटा सेवा करेगा नहीं, तो अब आप बेटे से कुश्ती क्यों लड़ो? अरे बात सरल है कठिन है? बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? है? है? क्या? अरे वो मोह तो सब बीमारी की जड़ है, वो सब वहां केंद्र बिंदु वहां है, लेकिन है क्या? हाँ, वो अभी आगे बाबूजी बताएंगे इसको। ये अभी बाबूजी अपने को ये क्या समझना है, यदि हमारी सेवा नहीं हो रही है ना, तो हम किसको आरोप मढ़ते हैं? बाह्य द्रव्यों पर आरोप मढ़ते हैं। तो टोटन मजी साहब कह रहे हैं कि तेरे अंतरंग का उदय यदि विपरीत है तो वह सेवा नहीं करेगा, इसलिए तू उधर परेशान मत हो। ये बात समझ में आ गई आपके? इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी या ना जी, इतनी बात समझ में आ गई? यदि हमारा उदय विपरीत है तो नौकर आपकी इज्जत नहीं करेगा, फिर आप नौकर को लेकर परेशान होते हो, वो बाबूजी क्या है? व्रथा है। इतनी बात समझनी है, अभी मूल बात तक नहीं पहुंचे, मूल बात तो और क्लिष्ट है। अभी इस पैराग्राफ की विषय वस्तु बस इतनी है। देखो क्या कहा, जिनका वश नहीं है उनसे किस लिए लड़े? तो हम परद्रव्य को निमित्तों को जोड़ते हैं, निमित्तों से लड़ाई करते हैं। तो टोटनवली साहब कह रहे हैं कि तेरा यह उपाय झूठा। तू बहू से कुश्ती लड़ रहा है, तू बच्चे से कुश्ती लड़ रहा है, तू पड़ोसी से कुश्ती लड़ रहा है, तेरा उदय विपरीत है तो तेरा उपाय झूठा। अभी यहां तो साहब ये बात तो हमारे समझ में आ गई। क्या बात समझ में आ गई? कि जब हमारा उदय यदि विपरीत होगा तो हमारी सेवा नहीं होगी। ये बात अब करे क्या उदय को सही करने के लिए? मुद्दा तो यह है बाबू जी, भाई परद्रव्य तो सेवा करेगा ही नहीं, वहां तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। अब हमारे पास स्कोप क्या रह गया है? स्कोप क्या रह गया? तुरंत फिर जीव को ये बोलते हैं कि तेरा उदय विपरीत है इसलिए सेवा। तो बोले साहब उदय को कैसे करेक्ट करें? मुद्दा तो ये आ गया ना कजावर साहब कि उदय को कैसे सही करें। ठीक है, अभी टोटनवली साहब और कोई दूसरी बात कहेंगे, उदय सही कैसे होता है? तीन पंक्तियों में जबरदस्त रहस्य को समझाया। देखो अभी मैं यहां से चलता हूं वापस, मैं पुराना वाला चित्र बता। मोह के आवेश में इसकी इच्छा होती है काहे की? दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर। ठीक है बाबूजी, ये तो सरल है। मोह के आवेश में पांच प्रकार की इच्छा उत्पन्न होती है इसके जीव, और इच्छा के अनुसार काम होने के लिए अंतराय का क्षयोपशम चाहिए। ठीक है, यदि उदय होगा तो ये काम नहीं होगा। ठीक है, पांचों प्रकार के काम जब उदय होगा तो नहीं होंगे, और एक ये बहिरंग जब काम होगा तो बहिरंग द्रव्य उस पर भी आरोप जाता है। इतनी सारी एक्टिविटी है,
अभी तक हम क्यों परेशान थे कि इच्छा के अनुसार काम नहीं हो रहा, इसलिए हम दुखी थे। पांच प्रकार की हमारी इच्छा थी, उसके अनुसार काम नहीं हो रहा था। दूसरी गड़बड़ी क्या कर रहे थे कि काम नहीं होने का जो आरोप मढ़ रहे थे वो इस पे मढ़ रहे थे। अब हमने ये समझा कि इसमें तो कोई दम नहीं है, अगर ये अनुकूल नहीं है तो ये क्या करेगा। ये दूसरी बात हमने ये समझी, क्या समझी कि यदि उदय हमारा विपरीत है तो हमको लाभ नहीं होगा। कितना भी व्यापार करो, सुबह से शाम तक लगे रहो हिम्मत भाई, यदि हमारा उस जाति का उदय नहीं है अने उदय विपरीत है तो हमको लाभ नहीं होगा। फिर आप किसी पर भी आरोप मढ़ो, सरकार पे मढ़ो, पड़ोसी पे मढ़ो, अपने कॉम्पिटिटर दुकानदार पे मढ़ो, बारिश आ गई, सीजन फेल हो गई, कुछ भी मढ़ो, लेकिन असल कारण क्या है, असल कारण क्या है कि हमारे उस जाति का उदय नहीं है तो हमको वो सामग्री का संयोग प्राप्त नहीं होगा। तो इस पर ले आए टोटल मुझे साहब, क्या यहां से हटाकर इस पर ले आए। अब ये जीव बोले फिर ये उदय सही कैसे होगा। चलो साहब इधर की तरफ से तो हम टेंशन खत्म कर दें, इसको कैसे सही करें कि उदय कैसे हमारा मतलब क्षयोपशम कैसे हो जाए ताकि मेरा काम हो जाए, क्योंकि मेरा काम नहीं हो रहा है इसलिए मैं दुखी हो रहा हूं। तो अब टोडर मल्ली साहब विधि बता रहे हैं। क्या विधि बता रहे हैं बाबू जी? विधि बता रहे हैं कि काम कैसे होगा। चलो अब आप समझना है भैया, हो विधि, फिर आगे वाला कर्म और अच्छे से अपने को समझना है। वेदनी का उसमें भी बड़ा गच्चा रहता है, सबको सबकी अलग अलग अपनी मर्जी से सबने फार्मूले बना रखे हैं वेदनी के संबंध में। तब सच्चा उपाय क्या है, काय का अंतराय से, अंतराय के उदय से जो मैं दुखी हो रहा हूं तो सच्चा उपाय क्या है दुख दूर करने का। अब यहां बता रहे हैं, मिथ्या दर्शन आदि से इच्छा द्वारा जो उत्साह उत्पन्न होता था, ये पांच प्रकार की इच्छा काय से उत्पन्न होती थी, काय के कारण इच्छा उत्पन्न होती थी, मोह, मोह में भी मिथ्या दर्शन, यहां मिथ्या दर्शन आदि लिया, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से इसके पांच प्रकार की इच्छा उत्पन्न होती थी। काय की इच्छा उत्पन्न होती थी, लाभ की इच्छा, ऐसा हो जाए तो लाभ, ये सामग्री भोगूं तो मैं सुखी हो जाऊंगा, भोग की इच्छा, इसको है ना ऐसा मकान बन जाए तो उपभोग, बार बार उपभोग की इच्छा, मेरे शरीर में ऐसी शक्ति रहे कि मैं इनको भोग सकूं, ऐसा इसको चलता है धारा प्रवाह। ये काय के लिए चलता है मिथ्या दर्शन से, है ना, मोह से, मोह ने दर्शन मोहनी के उदय से इसको क्या चलता है बाबूजी, ये पांच प्रकार की इच्छा होती है। तो टोडर मल्ली साहब क्या कहते हैं कि पहले तो इस बीमारी को दूर करो। किस बीमारी को दूर करो? इच्छा को दूर करो। और इच्छा कैसे दूर होगी? सम्यक दर्शन के द्वारा दूर होगी। कैसे इच्छा दूर होगी बाबूजी? सम्यक दर्शन के द्वारा इच्छा दूर होगी। अभी देखना, एक सम्यक दर्शन कहां इफेक्ट मारता है, सच्चा श्रद्धान कहां इफेक्ट मारता है, दोनों बातें कही। जैसे आपका श्रद्धान सही हो जाएगा, सम्यक हो जाएगा, तो बाहर की वस्तु में आपको लाभ नहीं दिखेगा, भोग में तृप्तता नहीं दिखेगी, है ना, आई बात समझ में? बार बार भोगने से मैं विशेष प्रकार से सुखी हो जाऊंगा, इस प्रकार की मान्यता मिट जाएगी। कब? जब इसके सम्यक दर्शन हो जाएगा। और ऐसे श्रद्धान से क्या होता है, ऐसे श्रद्धान से अंतराय का उदय भी हीन होकर क्षयोपशम में टल जाता है। अभी रास्ता यह है, इलाज तो करोगे, यहां इलाज तो करोगे इच्छा को मिटने का, और इच्छा भी मिटेगी और उधर अंतराय का क्षयोपशम भी हो जाएगा, रेस्ट काम भी आपका होता जाएगा, इच्छा मिटती जाएगी और क्षयोपशम एक साथ दो काम होगा। देखो कैसे होता है ये समझो, आप कान में फोड़ा हो गया बाबूजी और आपको बुखार आ गया, ठीक है, अपन क्या करते हैं इलाज के पैरासिटामॉल ले लो, बुखार उतर जाएगा। संजय भाई साहब क्या करते हैं अपन, कान में फोड़ा हो गया है और बुखार आता है कि नहीं आता है, तो अपन क्या करते हैं बाबूजी कि अपन पैरासिटामॉल ले लो, बुखार उतर जाएगा। पैरासिटामॉल मतलब बुखार उतारने की दवा, ठीक है। फिर छह घंटे बाद क्या होता है, वापस क्या आ जाता है, फिर एक बार पैरासिटामॉल ले लो, फिर क्या होगा? तो इलाज क्या है,
इलाज क्या है? इलाज क्या है भाई? ये जो कान की फुंसी है, ठीक है, इसको आप सही करोगे तो बुखार बाबूजी उतरेगा कि नहीं उतरेगा? है, उतरेगा कि नहीं उतरेगा? ठीक उसी प्रकार मोह का अभाव करना है, इच्छा का अभाव करना है। जैसे इच्छा का अभाव होगा तो हमारे को पांच प्रकार के कार्य की इच्छा नहीं होगी, और इधर अभाव करोगे तो इधर अंतराय का जो है ना उदय क्या है वो हीन पड़ेगा, काम भी होता रहेगा और इधर इच्छा का अभाव होता रहेगा। इसीलिए सच्चा उपाय तो सम्यक दर्शन आदि ही है। ये बात कह रहे टोटल मंदिर, देखो क्या कह रहे हैं, मिथ्या दर्शन आदि से इच्छा द्वारा जो उत्साह उत्पन्न होता था वह सम्यक दर्शन आदि से दूर होता है। किससे दूर होता है? सम्यक दर्शन से। ये बीमारी इधर की समाप्त हो जाती है, और सम्यक दर्शन द्वारा ही क्या होता है, अंतराय का अनुभाग घटता है। इधर आपकी सोच सही होगी, आप में जैसे जैसे पवित्रता आती जाएगी वैसे वैसे अंतराय कर्म का अनुभाग घटता जाएगा, और उदय घटेगा तो रेस्ट काम होते जाएंगे, इधर इच्छा का अभाव होता जाएगा। तो एक चीज से दो काम हो रहे हैं, क्या क्या हो रहे हैं, सम्यक दर्शन आदि से इच्छा का घटना है ना, वो जो है अपना उत्साह का टूटना, दूर होना, और अंतराय के अनुभाग का हीन होना। अभी देखो, तब सम्यक दर्शन द्वारा ही अंतराय का अनुभाग घटे, तब इच्छा तो मिट जाए और शक्ति बढ़ जाए। काम कैसे होगा विवेक? इच्छा तो मिट जाए और शक्ति बढ़ जाए। काय की शक्ति बढ़ जाए? ये वीर्य जब अनुभागहीन होगा ना तो शक्ति बढ़ जाएगी। अभी बाबूजी हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, शक्ति भी कम है और इच्छा भी ज्यादा है। जैसे मैं अभी लौकिक उदाहरण से घटाना चाहता हूं, क्या हम चाह रहे हैं कि अपन एक किलो मेवा खा लें सूखा, ठीक है, इच्छा तो ऐसी है, है? और ताकत कितनी है? ताकत कितनी है? है? ताकत तो कुछ है, तो इच्छा तो बहुत है, ठीक है। अब अभी तीसरी और समस्या है कि इच्छा तो है एक किलो मेवा खाने की, शरीर की ताकत भी कम है और बाहर में मेवा भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उदय चाहिए ना आपके पास, बाहर भोगोगे कैसे? हैं, तीन तीन प्रॉब्लम हो गई। इच्छा कितनी है? एक किलो मेवा खा लें, ठीक है। शरीर की ताकत कितनी है? 25 ग्राम नहीं पचा सकता है। और बाहर में सामग्री कितनी है? ये 25 ग्राम भी मेवा खाने का नहीं है, उदय तो विपरीत है। अब क्या हो बाबूजी? तो ये जीव दुखी का दुखी है, ठीक है। तो अब क्या करें? सबसे पहले आप इच्छा मिटा, है ना। जैसे ही आपने एक किलो जो आपकी इच्छा थी वो आपकी इच्छा मिट गई, मान लो आपकी 25 ग्राम पे आ गई, फिर क्या होगा बाबूजी? इस शरीर की आपकी, और जब आप इच्छा मिटेगी तो इधर शरीर की ताकत भी बढ़ जाएगी और बाहर में सामग्री भी मिल जाएगी, और जब इच्छा का समाप्त हो जाएगा तो भले बाहर की कोई चीजों से कोई लेना देना नहीं। तो तरीका कहां से होता है? तरीका इधर से है। किधर से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के द्वारा इच्छा घटे, तब अनुभाग उसके हीन हो और तब बाहर में शक्ति हो जाए। ये तो है सही विधि। और अपन क्या करते हैं, इच्छा को तो सुरक्षित रखते हैं और बाहर के निमित्तों को जोड़ते हैं, कह ना, और मिथ्या दर्शन से कसाई की तीव्रता रहती है, वहां अनुभाग और अपना क्या होता, बढ़ जाता है और बाधा पहुंच जाती है, इसलिए हमारा काम नहीं होता। ये है विषय, सब्जेक्ट तो सीधा। देखो अब मैं पढ़ता हूं आपको, ये तीनों पंक्तियों का अर्थ समझ में आ जाएगा। मिथ्या दर्शन आदि से इच्छा द्वारा जो उत्साह उत्पन्न होता था वह सम्यक दर्शन आदि से दूर होता है, और सम्यक दर्शन आदि द्वारा ही अंतराय का अनुभाग घटे, तब इच्छा तो मिट जाए और शक्ति बढ़ जाए। क्या होता है? एक साथ दो काम होएगा बाबूजी, है ना, इच्छा मिट जाए और शक्ति बढ़ जाए, तब वह दुख दूर होकर निराकुल सुख उत्पन्न होता है। इसीलिए सम्यक दर्शन आदि ही सच्चा उपाय है। क्या है? है ना, क्या उपाय है सच्चा? है,
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही अपने को प्रकट करना इस दुख को दूर करने का सच्चा उपाय। कौन से दुख को? अंतराय के उदय से जो दुख है उसको दूर करने का सच्चा उपाय क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की। अपन क्या उपाय करते हैं? हम क्या करते हैं? बाह्य सामग्री जुड़ाते हैं, उसमें अपन उद्यम करते हैं, लेकिन वह उपाय कैसा है? झूठा है। बात समझ में आ गई आपको? अब अगला जो है कर्म वो है वेदनी। वेदनी कर्म में भी बड़ा कंफ्यूजन है, हैं? अभी अब अपन इस वेदनी कर्म देखो, अभी अब जो थोड़ा सा ये वेदनी है ना, वेदनी ये कैसे काम करता है? अपन बोलते तो है वेदनी, लेकिन इसको समझ में नहीं आ, बोलते मेरे साता का उदय चल रहा है, असाता का उदय चल रहा है, बोलते तो है लेकिन कैसे काम करता है वेदनी वो अपने को समझ में नहीं आता। पहले तो अपन समझते हैं वेदनी कहते किसको है। वेदन, वेदन किसको बोलते हैं? वेदन जिससे ये वेदनी बने, वेदन बोलते हैं अनुभव, या आपकी भाषा में यदि हो तो एक तरह से बोल दो ज्ञान, जानना। ठीक है, अनुभव। ठीक है, और किसका अनुभव होता है? सुख का अनुभव होता है और दुख का अनुभव होता है ना। ये तो सबसे चित परिचित है, सुख दुख का वेदन होता है ना अपने को, है ना? अपने को लगता है ना ये अच्छा है ये। एक बात और अच्छे से समझना कि जो वेदन सुख दुख का होता है, जो अभी हमको वर्तमान में असल में दोनों प्रकार से तो एक दुख ही है। क्या क्या समझना है अपने को? क्या साता वेदनी के उदय में जो हमको सुख का वेदन होता है और असाता वेदनी के उदय में हमको दुख का वेदन होता है, दोनों क्या है? दुख ही है, सुख नहीं है। जो सुख का जो वेदन होता है वो अलग है, जो इस साता वेदनी असाता वेदनी उससे कोई इसका संबंध नहीं है। क्यों? कि सिद्ध भगवान के तो साता वेदनी का उदय है ही नहीं और वो तो अनंत सुखी है, तो वो कैसे सुखी है? है तो वो जो सुख है, कौन सा सुख? जो अपना स्वभाव का सुख, अतिंद्रिय आनंद का जो सुख है, उसमें साता वेदनी और असाता वेदनी उसका है। तो ये साता वेदनी और असाता वेदनी संसार के सुख दुख जिसको आप कहते हो वो है। क्या ही बात समझ में, कितनी बात समझ में आई आपको? क्या समझ में आई? साता वेदनी और असाता वेदनी ये किसको? संसारिक सुख दुख जिसको आप कहते हो कि देव सुखी है, नारकी दुखी है। मनुष्यों में भी देखते हो ना कि किसके पास आजीविका नहीं, किसी के शरीर में रोग है तो वो दुखी है, जिसका शरीर स्वस्थ है जो पैसे वाला वो सुखी है, ऐसा अपन कहते हैं ना संसार में। असल में क्या है? वो जिसके पास पैसा नहीं है वो भी दुखी है और जिसके पास पैसा है क्यों दुखी है? क्योंकि ये जो सुख दुख है ना, साता वेदनी असाता वेदनी का, ये एक तरह से दुख ही है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब थोड़ा सा इसको अपन धार देते हैं। ये वेदन काम होता है, मुद्दा है ये, यहां बिना समझे काम होने वाला नहीं है। देखो अभी इस अवस्था में एक तो है शरीर, एक क्षेत्र होगा संबंध शरीर, एक अंदर है कर्म ज्ञानावरण आदि कर्म, ये भी एक क्षेत्र, फिर है आत्मा जीव। ठीक है, आत्मा में भी दो पार्ट है, एक तो त्रिकाली स्वभाव, एक इसका परिणमन वाला स्वभाव। अभी वेदन कहां होता है? तो भैया है ना, ग्रंथ से सब चीज निकलेगी यहां पे जो बात कही जा रही, लेकिन क्या होगा कि आप सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको कितना पकड़ में आता है नहीं आता है, एक बार ये पिक्चर समझ लो फिर आपको सब पकड़ में आएगा कि क्या कहना चाह रहे टोटल मलिक साहब। भाऊ जी वेदन कहां होता है? सुख दुख का वेदन तो हमको होता है ना,
सुख दुख का वेदन होता है ना अपने को। अभी मान लो कि शरीर में कोई रोग हो गया तो दुख का वेदन हो गया। सस्त है अभी बहुत ज्यादा ठंड गिरती है तो अपने को दुख लगता है, थोड़ा मौसम सही हो जाता है तो सुख लगता है। वेदन तो होता है ना, अनुभव, फीलिंग, जानना, ज्ञान, वो तो होता है ना। अब वो कहाँ होता है? शरीर में होता है कि कर्म में होता है कि आत्मा के स्वभाव में होता है कि पर्याय में होता है, और किसका होता है अपने को ये समझना है। अभी ये अपने को समझना है कि वेदन कहाँ होता है ना, वेदन कहाँ होता है और वेदन किसका होता है। देखो बड़े बड़े शांति से समझना, शरीर आत्मा से अत्यंत भिन्न है, ठीक है, और शरीर में ज्ञान नाम की कोई ताकत ही नहीं है, तो यहां वेदन होने का तो सवाल ही नहीं उठता। क्या बात समझ में आई? शरीर में वेदन होने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि शरीर के जो है ना पुद्गल परमाणु, उसमें तो ताकत ही नहीं है जानने की, वो तो जड़ है ना गरीब भैया। शरीर में वेदन नहीं होता, और फिर कर्म, तो कर्म भी जड़ है, यहां भी वेदन नहीं होता। फिर अभी रही आत्मा, अभी आत्मा का दो दो भाग कर दिया, एक तो आत्मा का त्रिकाली स्वभाव जो सुख स्वरूप है ना, आनंदमय है, उसका भी वेदन नहीं होता, क्योंकि उसका वेदन होवे तो फिर हमारे को हमेशा सुख का वेदन होना चाहिए। आई बात, ये हमारा स्वभाव। वेदन क्या होता है बाबूजी? वेदन होता है पर्याय में, और वेदन होता है किसका? पर्याय का। हाँ हो तो है ही एक, उसकी उम्र ही एक समय, पर्याय मतलब एक समय, उसमें दो समय का कोई चक्कर नहीं है। किसका वेदन होता है? पर्याय में वेदन होता है, और होता किसका है? पर्याय का। हमारा द्रव्य स्वभाव तो जैसा शांतिनाथ भगवान का है वैसा ही है अभी, लेकिन हमारे को आनंद नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? कि हमारे पर्याय में तो मोह राग द्वेष है, उसका हम वेदन कर रहे हैं, और उनकी पर्याय में अतींद्रिय ज्ञान है, अतींद्रिय सुख है, इसलिए वो सुख का वेदन कर रहे हैं। तो वेदन किसका होता है? वेदन होता है पर्याय का, और कर्ती कौन है? पर्याय करती है। त्रिकाली स्वभाव का भी वेदन नहीं होता, और त्रिकाली स्वभाव भी वेदन नहीं करता। इसीलिए तो मैंने आत्मा के विभाजन करे, आत्मा में दो विभाजन करे, भेद करे समझने के लिए है? क्या? एक तो द्रव्य, नहीं तो क्योंकि अपन ये बोलते हैं कि मैं त्रिकाल शुद्ध हूं, सुख स्वरूपी हूं, आनंदमयी हूं, तो सुख स्वरूपी हूं तो मेरे को सुख का वेदन क्यों नहीं हो रहा? आत्मा सुख स्वरूपी है कि नहीं बाबू जी? हाँ, एक भी द्रव्य बिना पर्याय का नहीं रहता। आई बात समझ में? और द्रव्य का उसका त्रिकालपना जो ध्रुवपना वो भी कायम रहता है, उससे उसका द्रव्यत्वपना टिका है। क्यों द्रव्य की बात कर रहा हूं? ऐसे मैं भी एक जीव द्रव्य हूं, मेरा भी एक स्थायी स्वभाव है और एक परिणमन होने वाला स्वभाव है, दोनों मिलकर द्रव्य है। आई बात समझ में? दोनों मिलकर द्रव्य। अभी प्रश्न यह है कि मेरा स्थायी स्वभाव तो सुख स्वरूपी है, आनंदमयी है। कब है? वर्तमान में आनंदमयी है, परिपूर्ण है, अनंत ज्ञान का धारी है मेरा स्थायी स्वभाव। लेकिन मेरी पर्याय में अभी दुख है, क्यों? कि पर्याय में अभी आनंद प्रकट नहीं हुआ। आई बात समझ में? और पर्याय स्वभाव का वेदन नहीं करती है। अगर स्वभाव का वेदन करे तो अभी भी आनंद आना चाहिए ना, तो वेदन तो इसका कहां का होता है? इसके जो पर्याय में प्रकट होगा उसका वेदन होता है। तो अभी अपने को सुख और दुख, उसका वेदन कहां होगा? अब ये बात पक्की हो गई ना आपको? यहां तक बात पक्की हुई कि नहीं हुई है? न इस शरीर में वेदन होता है, ये जड़ है, न कर्म में वेदन होता है, ये जड़ है,
और आत्मा के अंदर एक अपना त्रिकाली स्वभाव स्थायी, उसमें भी वेदन नहीं होता है, वो तो क्या है, निष्क्रिय है, निष्क्रिय तत्व है ना, अकर्ता बोलते हैं, ये तो बना बनाया भगवान है, इसको कोई पड़ी नहीं, दरकार नहीं है ना। लेकिन वेदन कहाँ होता है, दुख का वेदन होता है हमारे पर्याय में। शांतिनाथ भगवान अनंत सुख का वेदन कर रहे हैं, कहाँ वेदन कर रहे हैं कि उनकी पर्याय में अनंत सुख विद्यमान है और हमारी पर्याय में दुख है, तो हम दुख का वेदन कर रहे हैं। ठीक है, स्वभाव दोनों का कैसा है, उसमें कोई अंतर, यहां तक बात समझ में आ गई। अब ये साता वेदनी और असाता वेदनी कहां आती है, साता वेदनी और असाता वेदनी। अब हम बोलते हैं अरे मेरे असाता का उदय चल रहा है इसलिए मैं बड़ा दुखी हूं, अभी बात समझ में आ रही, अभी अपन बोलते हैं मेरे असाता का उदय चल रहा है, तो असाता का उदय कहाँ चलता है, ये भी तो खोजे करें कि साता वेदनी और असाता वेदनी कहाँ है। हिम्मत भाई, अरे ये यहाँ है, साता वेदनी और असाता वेदनी पर्याय में कहाँ है। अरे भाई सब गोल होता जा रहा है, भाई घातिया कर्म और अघात्या कर्म में अंतर है कि नहीं है, अघात्या कर्म का कहाँ निमित्त पड़ेगा, अघाता कर वो तो शरीर से बाहर है, सॉरी आत्मा से बाहर है, घातिया है वो आत्मा में, ज्ञानावरण दशनावरण अंतराय उसको तो यहाँ देखना पड़ेगा आपको, और वेदनी को तो बाहर है, वो तो संयोग मिलाता है, जोड़ता है संयोग। तो अभी तो कर्म की बात चल रही है, तो साता वेदनी और असाता वेदनी कर्म कहाँ है, ये यहाँ, ये तो यहाँ आ गई साता वेदनी और असाता वेदनी। अब साता वेदनी का उदय हो तो इसको सुख का वेदन होए, ये यहां है और वेदन यहां होता है, और असाता वेदनी उदय हो तो उदय तो यहां है और वेदन यहां होता है, ये क्या चक्कर है। ए भाई कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही आप, कुछ गड़बड़ है कि नहीं भाई, वेदन कहाँ होता है, वेदन तो कहाँ होता है ना, ठीक है, और उदय कहाँ है, और ये दोनों भिन्न है, ठीक है। तो ये साता वेदनी में ये जीव सुखी है और असाता वेदनी में दुखी है, और ये क्या चक्कर है, एक चक्कर तो अपने को ये समझना है, दूसरा ऐसा चक्कर है बाबूजी, दोनों बात समझना है, अभी समय हो गया, कि अनंत भगवान के साता और असाता का उदय है तो भी दुखी नहीं है, ये क्या चक्कर है। अभी अभी अपने को दो बातें समझनी है, क्या समझनी है, साता वेदनी और असाता वेदनी, उसका उदय है तो मैं दुखी होता हूं, मैं बोलता हूं ना मेरे असाता का उदय है तो मैं दुखी, और मेरे साता का उदय है तो सुखी। अभी साता वेदनी और असाता वेदनी तो दूर है, जहां सुख दुख का वेदन हो रहा है, और अनंत भगवान के साता असाता का उदय है तो भी वो सुखी दुखी नहीं है, वो तो सुखी सुखी है, तो इसका मतलब है इसका क्या रोल है, ये कितना रोल है, और इसके साथ कौन कौन सा कर्म चलता है, और बाहर की सामग्री का क्या पिक्चर है, ये अपने को पूरा इस वेदनी कर्म के इसको समझना पड़ेगा, तब जाके ये आपको रहस्य खुलेगा। ठीक है, अभी यहां तक बात समझ में आ गई आपको, हाँ? कोई गड़बड़ है क्या आंटी जी, चुप रहे हैं कहीं, अभी इसमें एक ट्रिक है, ट्रिक बाबूजी, के ये साता वेदनी मोह के साथ सहकार भी है ना, और मोह समाप्त हो जाए तो वो निष्क्रिय है, उसमें कोई दम नहीं है, आई बात समझ में, क्योंकि मोह है यहाँ, अपन उस कल उसके इसके रहस्य को खोलेंगे कि कैसे काम करता है, और फिर बाहर की सामग्री में तो कुछ दम नहीं है, अभी जो बच्चा पैदा हुआ आपको सुख का वेदन करा रहा है, 20 साल बाद वही बच्चा आपको लगता है अरे इसके कारण मैं दुखी हो गया, सामग्री वही है, इधर उदय चेंज हो गया इधर वेदन चेंज हो गया, एक ही पिक्चर में, मतलब बाहर की सामग्री में तो कोई दम ही नहीं है, दम ही नहीं। अभी ये तीनों चीज अपन इस पिक्चर के आधार से खोलेंगे इस रहस्य को, विशेष चर्चा अपन कल कर। जिनवाणी जग मैया जनम दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जनम दुख मेट दो,
जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ, ज्ञान बिना है मैया, निर्मल ज्ञान प्रदान सुकर दो, तू ही सच्ची मैया। गुण स्थानों का अनुभव हमको हो जावे जग मैया, चढ़े उन्हीं पर क्रम से हम फिर होवे कर्म खिपैया। मेटो जामन मरण हमारा इतनी वंती मैया, तुमको शीश त्रिलोकी नमावे तू ही सच्ची मैया। वस्तु एक अनेक रूप है अनुभव सबका न्यारा, हर विवाद का हल हो सकता साधवाद के द्वारा। जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोक। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोक।